हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। CAA जिसको हम CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और अब क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो मैंने ये पूरा एक्ट को ले डाउन प्रिंट किया क्योंकि कोई ये नहीं बोले, फिर कोई आकर के सदगुरु आके बोलते हैं कि ये लोग एक्ट को पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उन लोगों को पहले ये दिखा देते कि मैंने इसको प्रिंट किया और ये 3 पेज का है, ज़्यादा लंबा नहीं है तो आपको वक्त नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। और 3 पेज में भी ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इतना ही अहमियत रखता है, इतना ही बस मेन है। ये CAA जो है ये एक्ट है और ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से कोई ये नहीं समझे कि ये बोलते हैं सिर्फ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बताने के लिए कि मैं जो अभी बोलूँगा वो मैंने पढ़ा पहले इसमें, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो ये एक्ट है CAA, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें ये लोग लिखते हैं सबसे पहली बात जो बताई गई हम लोगों को कि प्रताड़ना की वजह से, रिलीजियस पर्सिक्यूशन की वजह से ये बिल लाया गया। इस बिल में एक जगह भी पर्सिक्यूशन वर्ड नहीं है, आप पढ़ के देख लीजिए, एक जगह भी पर्सिक्यूशन का वर्ड ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन रीजन में हमेशा क्या दिया गया, पर्सिक्यूशन, प्रताड़ना, प्रताड़ना, लेकिन कहीं भी पर्सिक्यूशन लिखा ही हुआ ना। मैं पढ़ देता हूँ उसका मेन क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जो आपको बताता है कि आप इंडिया के सिटीजन कैसे बनेंगे। और जो NRC के डॉक्यूमेंट्स बने आएंगे, अगर आया NRC, तो अगर वो आएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स वहीं से आएगा, तो वही सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का वो फॉलो करता है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो वही इसमें लिखा हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 हियर एंड आफ्टर रिफर टू एज द प्रिंसिपल एक्ट, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया, प्रिंसिपल पेरेंट एक्ट कौन सा है, वो वाला मेन एक्ट है, उसमें हम लोग अमेंडमेंट लाते हैं उसके सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 इन सब सेक्शन 1, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो या क्रिश्चियन हो, 6 कम्युनिटी, अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हु इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31st day of December 2014, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया होता, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ कि 5 साल आपको रहना होगा तब आपको सिटीजनशिप मिलता है, तो 2019 में पास कर रहे तो 2014 से पहले आना होगा आपको, तो 2014 से जो पहले आ चुका है शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीग्रेंट इमिग्रेंट्स, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीग्रेंट, मतलब कि आप किस तरह है उनसे उसको मतलब नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है उससे आपको मतलब नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, आपको प्रताड़ना हुआ कि नहीं उससे भी उसको मतलब नहीं है, समझ रहे। बस अगर आप ये 6 कम्युनिटीज से हैं और अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा आपका सिटीजनशिप, समझ रहे। तो इसमें क्या चीज़ सबसे पहला गलत हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 है, मैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसमें ये लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, और इसमें लिखता है आर्टिकल 14 में बी क्लेम्ड बाय एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दस दिस राइट इज नॉट लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स Only it is available to citizens and non-citizens. मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हो या आप सिटीजन नहीं हो, आर्टिकल 14 कहता है कि आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पे? आपके बेसिस, आपको, आप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही सेक्स के बेसिस पे, या मेल या फीमेल के बेसिस पे, या रेस के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे। तो इस आर्टिकल के डायरेक्ट खिलाफ क्यों है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम एक को ले रहे हैं, एक को नहीं ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि इस रिलीजन को ले रहे हैं और इसको नहीं ले रहे हैं, ये क्या हुआ, इनइक्वालिटी हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। यही सबसे पहला क्लेम है हम लोगों का कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे मेन क्लेम यही है कि आप धर्म से जोड़ रहे इस चीज़ को, सिटीजनशिप को, जो कि इंडिया का सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ है। और इसमें बहुत सारी चीज़ जोड़ा गया, जब बोला जाता है कि क्यों हम लोग इन लोगों को देखा जाता है,
तब फिर वापस हम लोग उसी पे आ जाते कि कुरान में लिखा हुआ लोगों को मारना मुस्लिम देशों में बोला गया, कुरान में नहीं बोला गया। अभी मुस्लिम देशों में लोगों को मारा जाता है, जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है। जबकि मैं मुस्लिम देशों में मैं गया नहीं हूँ, कुछ देशों में गया हूँ जिनकी ये बात करें उसमें नहीं गया हूँ। फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुरान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप गैर मुसलमानों को मारो। सबसे पहला कहीं भी मेरा ये चैलेंज है किसी को भी। दूसरा जो बोला जाता है जबरन के बारे में, लिखा सूरह बकरा का आयत नंबर 256 में, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब वहाँ क्या होता ये अलग मैटर है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप इस पे ये कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ फैलाया गया उसके बाद ये चीज़ बोला जाता है, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए कि 23% से जो 30% से जा करके 3% हो गया नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। गूगल पे लिख दिया होगा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, और आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिस्टिक्स गलत है। सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स दिया गया हुडसन पोस्ट का, एक hudsonpost.com में आया था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया और देखा कि ये स्टैटिस्टिक्स गलत है। नॉन मुस्लिम्स की आबादी वेस्ट पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम तो कोई ये नहीं था, गिनती नहीं था, पार्टीशन के बाद 1951 में गिनती हुआ, सबसे पहले बार 3.65 या 75% था, जो कि अभी बढ़ के 3.97% हो गया अभी जाकर के, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर पूरा आर्टिकल आया था। तो अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स अगर आपको सुनने को मिला कोई बोल रहा है, तो ये फिर से 100% गलत स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, बांग्लादेश की मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स था वो गिरा है, तो वो जिस तरह नॉन मुस्लिम का गिरा उस तरह मुस्लिम का भी गिर सकता है। और बांग्लादेश में बहुत डिफरेंट रीज़न था है लोगों के माइग्रेट करने का, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है उसके वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और रहा बात इस लॉ में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक और खामी जो बताया गया कि आपने सिर्फ 3 कंट्री को लिया और आपने तिबेटियंस को छोड़ दिया, तिबेट्स वाले जो थे उनको छोड़ दिया, वो भी तो प्रोसिक्यूटेड थे। आपने तमिलियंस को छोड़ दिया, श्रीलंका वाले, वो भी तो प्रोसिक्यूटेड थे। आपने रोहिंग्यास को छोड़ दिया, जो कि यूनाइटेड नेशन जिनके बारे में कहता है कि अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, कि एथनिक क्लिंजिंग जो उनके साथ प्रताड़ना हुआ वो तो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, उसको आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, आप उनको भी आप नहीं लेते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस लॉ में, इस एक्ट में। और रहा बात एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो जो भी नोटबंदी जानता है, नोटबंदी पता है ना क्या हुआ था, आप लोग थे इंडिया ही में ना नोटबंदी के टाइम, नहीं तो कुछ इंडिया के एक्टर्स है वो लोग कनाडा के सिटीजन रहते हैं और वो लोग रहते नहीं यहाँ पर, लेकिन पूरा ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में, तो आप लोग तो रहे होंगे नोटबंदी के। तो मैं उस वक्त जिस दिन नोटबंदी हुआ था उसके जस्ट एक दिन बाद मैं निकल रहा था कहीं बाहर, और मैं लाइंस देख रहा था एटीएम के बाहर, और मैं ये सोच रहा था कि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कोई आपको आके बोल दे रहा है कि नोट ख़त्म हो गया और आप बस ठीक है ओके हम लोग लाइन लग जाते हैं। मेरा दिमाग में ये सवाल आ रहा था बार बार, अब समझ में आया कि उस वक्त नहीं बोले, अभी आ गए, अब बोलने वाले हैं, अब बोल रहे कि नहीं अब से अब इस बार हम लोग लाइन में नहीं लगने वाले। और एनआरसी जो आसाम में हुआ उसका एग्जांपल आप सभी जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद, उनके खानदान वाले आउट है, कारगिल में लड़ने वाले सोल्जर वो आउट, उनके वो खुद आउट है, उनके खानदान वाले ने वो खुद आउट है एनआरसी से। आप सोच सकते हैं कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है एनआरसी कि जब इन लोगों का नाम भी नहीं हो सकता। कुछ केसेस मैंने ये भी पढ़ा पेपर्स में कि माँ और बाप एनआरसी के अंदर है और जो उनकी बेटी है 10 साल की वो एनआरसी के बाहर है, अब बताइए उसका क्या होगा। माँ और बाप अंदर है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और बेटी जो है वो आउट है आपका, तो ये सब होगा। और उसमें जो करप्शन है वो तो अपना जो भी है, जो करप्शन कुछ लोगों ने हमसे, मेरे से बात हुआ कुछ लोगों का, वो लोग तो ये बोले कि कुछ पैसे के लिए भी आपका काम ये हो सकता है, लास्ट में पैसा लेकर के कुछ भी कोई भी कुछ कर रहा है एनआरसी में, जो करप्शन इंडिया का सब जानता ही है। जब इस चीज़ में करप्शन को आप ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है। और रहा बात कुछ लोग ये बोल रहे कि हम लोग देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात नहीं कर रहे, मतलब हम लोग नागरिकता दे रहे हैं ले नहीं रहे। अगर आपके पास दूध वाला सुबह में आता है और दूध में आपका पानी डाल रहा है होता है, आप बोलिए क्या करो, बोले नहीं दे रहे, ले कहाँ रहे, दूध में पानी दे ही रहे, ले क्या, वो बोल रहे देने का बात नहीं है, आप किसको दे रहे, इनकम टैक्स को दे रहा है और वो आधा इनकम टैक्स दे रहा है,
आधे ही इनकम टैक्स मैं अपना देता हूँ। गवर्नमेंट बोल रहे तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे दे रहे ले कहाँ रहे, दे ही ना रहे है। तो ये आधा सच्चाई बोल के आप किसको बेवकूफ बना रहे, दे रहे ले नहीं रहे है। अब दे रहे हैं तो आप तो बोलते कि कुछ लोगों को हम दे रहे हैं, और बोला जाता है कि इंडिया के मुस्लिम्स के तो सिटीजनशिप लिए नहीं गया। तो आसाम में जो अभी NRC के बाहर हुए मान के चलिए, तो उसकी लिए नहीं आप, उसकी सिटीजनशिप क्या आप लिए नहीं, समझ रहे। बाकी इंडिया की तो बाद में बात होगी, अभी तो फौरन उन लोगों को आउट कर दिया आप इस तहत, इसके लॉ के तहत, CA के तहत, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी होगी अभी और पढ़ना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें मुस्लिम हमारे भाई थे, उन लोगों को पता नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ना ही इसके बारे में पता है। वो कुछ भी बोले, स्टैटिस्टिक्स उसको आके सुना के कोई जा रहा है कि 30% से 3% हो गया। अरे 30 से 3 कैसे हुआ, 1947 में तो बांग्लादेश ही नहीं था, तो 30 कहां से हो गया वहां पर, 1971 में आपका बांग्लादेश बन रहा है, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही है, पहले से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे थे, पहले से कुछ राइटर जैसे तस्लीमा नसरीन, उसकी बुक्स में पढ़िएगा, वो यही सारा चीज़ वो बोल रही है अपने बुक में, अब नोवेल बना करके यही सारी चीज़ वो दोहरा रही है अपने बुक में। तो ये सारे चीज़ को लिया गया, लोगों के अंदर डाला गया, और यही कारण है कि अभी बहुत सारे लोग जो इसके खिलाफ इसको सपोर्ट कर रहे वो वही सब सोच करके इसके सपोर्ट कर रहे। तो एज अ मुस्लिम हम लोगों को चाहिए कि एडुकेट करना होगा लोगों को।